चारधाम यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने इजाजत दे दी है। फिलहाल स्थानीय लोग ही यात्रा में शामिल हो सकेंगे, लेकिन इस बीच मंदिर समितियों ने सरकार को फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। दरअसल कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से यात्रा को टालने की मांग की गई है। अस्सी दिनों का इंतजार खत्म हुआ और खत्म हुई भक्तों की अपने आराध्य से दूरी। पूरे देश के ज्यादातर मंदिर खुल गए हैं, भक्ति और आस्था का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। मंदिर खुलने के साथ ही अब इस कड़ी में चारधाम यात्रा के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। राज्य सरकार की सहमति के बाद उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड ने इस पर फैसला ले लिया है, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए अभी सीमित तादाद में ही श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। तय किया गया है कि यात्रा शुरू होते ही हर रोज बद्रीनाथ धाम में 1200, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे। कोरोना को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है, 30 जून तक सिर्फ स्थानीय लोग ही यात्रा में शामिल होंगे। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही मंदिर खोला जाएगा। यात्रियों को अपने रुकने की व्यवस्था खुद करनी होगी। टोकन सिस्टम से होंगे दर्शन, निशुल्क दिए जाएंगे टोकन। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी को करना होगा। पुलिस स्ट्रिक्टली लागू करेगी जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं और बाकी जितने भी कोरोना के जो लॉकडाउन के जितने भी नियम हैं उनको ढंग से लागू करेगी। सर, धार्मिक स्थलों को भी खोलने की अनुमति हो गई, उसको देखते हुए पुलिस किस तरह की होगी? वो भी वही सोशल डिस्टेंसिंग सबका सब जगह पालन करना जरूरी है, मास्क वगैरह सब जगह सार्वजनिक स्थानों पे लगाना जरूरी है, इस सबका 100% पालन कराया जाएगा। सरकार तैयार है, लेकिन यात्रा को लेकर स्थानीय स्तर पर अभी एक राय नहीं है। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर समिति ने सरकार से फैसले पर फिर से विचार करने को कहा। विरोध की वजह कोरोना के संक्रमण के फैलने का डर है। बाहर से ये लोग यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर आता है तो पर्वतीय क्षेत्रों में तो अभी तक किसी प्रकार का कोई संक्रमण है ही नहीं है, यहाँ पे संक्रमित तो कोई है ही नहीं है, ये तो बीमारी सब बाहर से आ रही है। तो आपको एक बार पुनः इस पर विचार करना चाहिए और ताकि चार धाम यात्रा पर, क्योंकि अगर आप यहाँ पर श्रद्धालु आता है तो कहीं ना कहीं ये इतने लोग जो है यहाँ पर संक्रमण के दायरे में निश्चित तौर पर ही आएंगे। विरोध के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को मंदिर समिति से बात करने के लिए अधिकृत किया है ताकि यात्रा को लेकर एक राय बन सके। हमने ये कहा कि जो वहाँ के पुरोहित समाज है और जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उन सब से बातचीत करिए आप लोग और उसके बाद हम उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन मैं इस बात का फखदर हूँ कि सीमित मात्रा में, नियंत्रित मात्रा में हमको वहाँ पर यात्रा प्रारंभ करना चाहिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से तमाम आशंका और सवाल अभी भी खड़े हैं। ऐसे में तीर्थ यात्रियों को अलर्ट रहने की हिदायत के साथ उत्तराखंड सरकार और प्रशासन हर मुमकिन तैयारी में जुटा है। यही वजह है कि शुरुआत में सिर्फ स्थानीय लोगों को ही इजाजत दी गई है। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ओमकार बहुगुणा, उत्तरकाशी आज तक।